गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसे आप लोग सिंपल सी वर्कशीट्स क्रिएट करके एक काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। एंड गाइस देखो, हालांकि ये जो वीडियो है, जो कॉन्सेप्ट है, ये अप्लाई तो सभी के लिए होता है, बट स्पेशली मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी हाउसवाइफ्स से, ठीक है, जो फीमेल्स हैं, लेडीज़ हैं, जो घर बैठे काम करना चाहती हैं, ठीक है, घर से ही कुछ अपना काम स्टार्ट करना चाहती हैं, जिससे वो एक अच्छी अर्निंग कर पाएँ, ठीक है, पार्ट टाइम वर्क करके, तो बहुत ही बेस्ट काम रहेगा ये आप सभी लोगों के लिए। एंड यहाँ पे देखो, आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं, हाउसवाइफ्स ऐसी होती हैं, जिनको लैपटॉप एंड डेस्कटॉप जिनके पास नहीं होता है, एंड इवन ऑपरेट करना भी नहीं जानती हैं, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, मैं जिस प्लेटफॉर्म की बात करूँगी वो बहुत ही ईजी सा प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म को आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही एक्सेस कर सकते हैं। एंड गाइस देखो, इसके साथ साथ जो भी यहाँ पे आप प्रोसेस करोगे, जो भी चीज़ें सीखोगे एंड जिनको भी आप इम्प्लीमेंट करोगे, इसमें आपको मज़ा बहुत आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखो बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें तो है नहीं। जो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, ये सिंपली एक तरीके से आप कह सकते हो कॉपी पेस्ट टाइप हैं, जिसमें सारी चीज़ें आपको क्रिएटेड मिलेंगी, ड्रैग एंड ड्रॉप स्ट्रैटेजी वगैरह आपको यूज़ करनी है यहाँ पर, एंड ईजिली आप ये काम कर पाओगे, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होंगी आपके लिए, ठीक है। एंड एक अंदर से कॉन्फिडेंस भी आएगा आपके अंदर कि येस, आप लोग इन चीज़ों को कर पा रहे हो इजीली। सो गाइस, अभी सारी चीज़ें मैं आपको आगे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी इस वीडियो में कि कैसे आपको सारे स्टेप्स यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग इस वीडियो को एंड तक देखें, ताकि आप सारी चीज़ें आसानी से समझ पाएँ एंड सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। सो हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम है निशा और आप देख रहे हैं बेस्ट इनकम सीक्रेट्स। सो गाइस, चलिए अब देर न करते हुए मैं आपको ले चलती हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर एंड आपको बताती हूँ इसका पूरा प्रोसेस। सो गाइस देखो, सबसे पहला स्टेप हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है कि हमने आना है गूगल पर एंड हमने यहाँ पे वर्कशीट सर्च कर लेनी है, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी क्लास के लिए वर्कशीट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम, जैसे मैंने एक यहाँ पे कीवर्ड डाला हुआ है वर्कशीट्स फॉर क्लास वन, तो मेरे पास बहुत सारी वर्कशीट्स यहाँ पे आ जाएंगी। इवन यहाँ पे आप देख सकते हो सब्जेक्ट वाइज वर्कशीट्स भी यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। हम यहाँ पे क्यों सर्च कर रहे हैं वर्कशीट्स, ताकि हमें एक आइडिया मिल पाए, एक ब्लूप्रिंट हमारे पास हो कि हमने इस तरीके की वर्कशीट बनानी है। जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्कशीट चूज कर ली, ये एक्चुअल में एक इंग्लिश ग्रामर की वर्कशीट है, जिसमें ये सिंगुलर में दे रखे हैं नाउन्स एंड इनको हमने प्लूरल में कन्वर्ट करना है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको रेप्लीकेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम कौन सा टूल यूज करते हैं, एक टूल है जिसका नाम है कैनवा, canva.com। बहुत ही अच्छा ये टूल है, 100% फ्री है ये, ठीक है। तो आप यहाँ पे फ्री में साइन अप कर सकते हो, इस पे काम कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल से प्रोसेस है, यहाँ पे देखो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक करना है साइन अप फॉर फ्री पर। कुछ डिटेल्स आपने यहाँ पे अपनी देनी है, ईमेल एड्रेस एंड आपने पासवर्ड यहाँ पे सेट करना है, एंड आप इजिली इस पे अकाउंट क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। आई होप कि आप ये कर लोगे, ठीक है। मेरा ऑलरेडी इस पे अकाउंट है, तो मैंने अपना अकाउंट यहाँ पे ओपन कर लिया है, ठीक है। तो ऐसा इंटरफेस आप लोग देख पाएंगे। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हो वर्कशीट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स ओपन हो जाएंगे वर्कशीट्स के, ठीक है। तो आप चाहो तो आप इन टेम्पलेट्स को यूज भी कर सकते हो इसमें, जैसे आप इन टेम्पलेट्स को चूज करोगे, ठीक है, उसके बाद आप उसमें भी ऑल्टरेशन कर सकते हो। यहाँ पे फिलहाल तो हम यहाँ पे ब्लैंक टेम्पलेट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ब्लैंक वर्कशीट से। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे एक ब्लैंक टेम्पलेट ओपन हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल से मेथड को यूज करके यहाँ पे अपना टेम्पलेट क्रिएट करना है, ठीक है। डिजाइन हमने ऑलरेडी चूज कर लिया है ना, ये है हमारा डिजाइन। तो इसमें देखो क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पे एक हेडिंग दी हुई है छोटी सी, ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए एंड यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लगाई हुई हैं। तो ये पिक्चर्स, कार्टून की पिक्चर्स भी हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें हेडिंग दे देनी है। तो हेडिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट पर एंड इसमें देखो काफी सारे हेडिंग के टाइप्स दिए हुए हैं, ठीक है। आप चाहो, अगर आपको बड़ी हेडिंग चाहिए बड़े फॉन्ट में, तो आप ये यूज कर सकते हैं बोल्ड लेटर्स में। अगर उससे छोटी चाहिए तो ये यूज कर सकते हैं। या फिर देखो यहाँ पे कुछ हेडिंग के कुछ डिजाइंस भी हैं, कुछ स्टाइल्स भी हैं, तो आपको वैसी हेडिंग चाहिए तो आप वो भी यूज कर सकते हैं फ्री में, ठीक है ना। तो मैं फिलहाल जैसे यहाँ पे ये इस पर्टिकुलर हेडिंग को चूज कर लेती हूँ, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे इस हेडिंग में क्या लिखना है, इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शंस देने हैं। यहाँ पे जो आपको ये फोर डायरेक्शनल एरो जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको अगर हम यहाँ पे ड्रैग करते हैं तो हम इस हेडिंग को कहीं पे भी मूव कर सकते हैं विद इन द फ्रेम ऑफ आवर वर्कशीट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे दे देना है इसको, ठीक है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन हम सबसे ऊपर देंगे। इसके बाद मैं इससे भी छोटी हेडिंग यहाँ पे ले लूंगी, ठीक है। तो मैं ये ले लेती हूँ, इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है, जिसमें हमको क्या लिखना है, मैं ये यहाँ पे डाल देती हूँ, ठीक है ना। एंड इसको हम यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंस्ट्रक्शन हो गया। तो इसको हम चाहें तो हम ऊपर या फिर नीचे भी मूव कर सकते हैं।
एंड गाइस देखो इसका साइज भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपको देखो साइज का ऑप्शन मिलता है, तो इसे अगर आप प्लस करोगे तो ये बढ़ता रहेगा साइज, ठीक है। अगर आप छोटा चाहते हो तो आप माइनस पे क्लिक कर सकते हो। उसके अलावा देखो यहाँ पे आप बोल्ड भी कर सकते हो इसको। उसके बाद देखो हमको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं तो मुझे इस ऑर्डर में एक एक करके यहाँ पे वर्ड्स लगाना है, ठीक है। वो भी बहुत सिंपल है, उसमें भी हमें क्या करना है, हमें सेम ही चीज करनी है। यही जो हमारी हेडिंग थी इसी को हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर हम इसको इसकी प्लेस में ड्रैग कर देंगे, ठीक है। सो गाइस देखो मैंने क्या किया, मैंने एक ही सब हेडिंग ली, ठीक है, उसको मैंने कॉपी किया एंड मैंने यहाँ पे जितनी बार मुझे चाहिए उतनी बार मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जो भी मेरे वर्ड्स हैं, जैसे पहला है मेरा ब्रश, टेबल, वॉच, ग्लास, तो मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पे डाल दूंगी। जैसे पहले मैंने यहाँ पे डाल दिया ब्रश, ग्लास, एंड फिर यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके हम इसको मूव करके लेफ्ट लाइन कर देंगे, ठीक है, अपने हिसाब से जहाँ पे भी हमें इसकी लोकेशन रखनी है। तो गाइस इसी मेथड से सिंपल से तरीके से आप लोग वर्कशीट क्रिएट कर सकते हो। इवन देखो आप लोग इमेजेस का यूज कर सकते हो, जैसे कई वर्कशीट्स में क्या होता है मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं तो उनको यूज करके आप वर्कशीट्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाली वर्कशीट आप अगर देखोगे तो मैथ्स की वर्कशीट है जिसमें शेप्स वगैरह यूज हुए हैं, ठीक है, तो उनको आप यूज कर सकते हो। तो इस तरीके की वर्कशीट आप बना सकते हो, ठीक है। इवन आप इमेजेस भी यूज कर सकते हो इसमें। देखो यहाँ पे जब आप जाओगे बैकग्राउंड इमेजेस भी आप डाल सकते हो। लेट सपोज कि मुझे एक अच्छा सा यहाँ पे बैकग्राउंड लेना है, मुझे कलरफुल वर्कशीट बनानी है, ठीक है, तो मैं पिंक बैकग्राउंड में भी डाल सकती हूँ। उसके अलावा देखो यहाँ पे जो ऑलरेडी बैकग्राउंड दिए हुए हैं हम उनको भी यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमें इमेजेस डालनी है तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे, देखो फोटोज पे हम जाएंगे तो हम यहाँ पे फोटोज, कार्टून्स की फोटोज भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, या कोई भी और सिंबल हम यूज कर सकते हैं, स्टार्स हम यूज कर सकते हैं जैसे, ठीक है। एंड देखो कई सारी फोटोज इसमें क्या होती है, कई सारी फोटोज पेड भी होती हैं, तो आपको पेड फोटोज को यूज नहीं करना है, आप यू नो आप फ्री ऑफ कॉस्ट फोटोज ही यहाँ पे यूज करें। इवन देखो अगर आपको यहाँ पे फोटोज नहीं मिलती हैं जो आपको चाहिए तो आप गूगल पे सर्च करके यहाँ पे एक अपलोड का ऑप्शन होता है, देखो यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है, तो इससे आप यहाँ पे फिर अपलोड कर सकते हो। उसके बाद देखो अगर आपको इसको एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप जाओगे, उसके बाद नीचे यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो फिर यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो उसको, तो ये पीडीएफ फॉर्म में आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अब बात आती है देखो कि हम उन वर्कशीट से अर्निंग कैसे करेंगे, ठीक है। उसके लिए काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप उन वर्कशीट्स को सेल आउट कर सकते हो, ठीक है, आप उनके लिए कस्टमर्स फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जिसमें से एक जो वेबसाइट है दैट इज द बेस्ट वेबसाइट, वह है teacherspayteachers.com, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलरली वेबसाइट है ये एक ऐसी वेबसाइट है जो टीचर्स के लिए ही है, मतलब जहाँ पे टीचर्स एज अ टीचर आप लोग साइन अप कर सकते हो एंड आप यहाँ पे अपने जो जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी वर्कशीट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। एंड यहाँ से फिर टीचर्स ही मतलब एज अ कस्टमर यहाँ पे साइन अप करते हैं, ठीक है, एंड वो यहाँ से असाइनमेंट्स परचेज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे असाइनमेंट्स हैं जो ऑलरेडी सब्जेक्ट वाइज जो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो अगर हम इस डोमेन को एनालाइज करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 25 मिलियन का ट्रैफिक आता है इस वेबसाइट पे मंथली, ठीक है, तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं इस पे, एंड फिर आप यहाँ पे अपनी वर्कशीट अपलोड करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखो एक और प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है Etsy, जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है, ठीक है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है ये भी। एंड यहाँ पे भी देखो जब आप वर्कशीट्स यहाँ पे सर्च करोगे तो आप लोगों की काफी सारी वर्कशीट्स यहाँ पर भी लोग सेल कर रहे हैं एंड वो भी एक काफी डिसेंट अमाउंट में। तो आप यहाँ पे डिजिटली भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। उसके अलावा देखो आप अमेजोन पे भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, अमेजोन पे भी काफी सारी वर्कशीट्स सेल होती हैं। इवन आप इनसे आइडिया ले सकते हो कि किस तरीके की वर्कशीट्स लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये एक वर्कशीट है जो कि एलकेजी क्लास के लिए, ठीक है, तो इस तरीके की वर्कशीट्स भी आप क्रिएट कर सकते हो एंड अमेजोन पे भी आप लिस्ट कर सकते हो। एंड उसके अलावा देखो एक और प्लेटफॉर्म जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है आप लोगों के लिए, दैट इज फेसबुक। तो आपको क्या करना है, देखो फेसबुक ग्रुप्स आपको सर्च करने हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया स्कूल किड्स, तो स्कूल किड्स ऑब्वियसली बात है कि किड्स का ही ग्रुप होगा जहाँ पे यू नो छोटे बच्चों के पेरेंट्स जिन ग्रुप्स में एडेड होंगे, ठीक है, तो उन ग्रुप्स को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। या फिर जो ग्रुप्स मदर्स से रिलेटेड हैं, पेरेंटिंग से रिलेटेड हैं, या फिर यू नो किड्स एजुकेशन से रिलेटेड है, उनको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, एंड वहां पर भी आप अपनी वर्कशीट्स को प्रमोट कर सकते हो। आप एक काफी अच्छी पोस्ट डिजाइन कर सकते हो अपने फेसबुक के लिए, ठीक है, जिसमें आप मेंशन कर सकते हो कि कैसे ये पर्टिकुलर आपकी जो वर्कशीट है ये हेल्प कर सकती है स्टूडेंट्स को नॉलेज गेन करने में। तो ये सारी चीजों को अगर आप उसमें एक्सप्लेन करोगे तो लोग जरूर आपसे परचेज करना पसंद करेंगे। एंड शुरू में एक टिप है मेरी तरफ से कि आप क्या कर सकते हो कि अपनी जो वर्कशीट्स हैं उनको बहुत ही लेस प्राइस में आप सेल आउट कर सकते हो, या फिर आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे सकते हो,
ठीक है, ताकि लोग उसको देखें, उसको मतलब उनको यूज करें, एंड फिर अगर उनको वो चीज पसंद आती है तो वो फिर से आपसे ऑर्डर कर सकते हैं। एक और टिप मैं आपको देना चाहूंगी कि आप अपने जो नियर बाय स्कूल्स हैं उनके साथ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है, उनको आप बता सकते हो कि आप क्रिएटिव वर्कशीट्स बना सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, क्योंकि उनको बहुत पसंद आएंगी, जिनसे स्टूडेंट्स को काफी बेनिफिट होगा, उनके पेरेंट्स पसंद करेंगे, तो वो स्कूल भी आपके साथ टाई अप करके आपकी जो वर्कशीट्स हैं उनको आगे प्रमोट कर सकता है। सो गाइस, मैं चाहूंगी कि आप लोग जरूर इस मेथड को एक बार ट्राई करें, ठीक है, एंड इन सारे रिसोर्सेज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से जाकर के आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, बट अगर स्टिल आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो मैं चाहूंगी जरूर आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इसे को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी अपडेट्स मिलते रहें रिलेटेड टू ऑनलाइन अर्निंग। सो गाइस, इतना ही था फिर आज की वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप टू सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस।